कोल्ड स्टोर खोल रखा है ना, वही चलना है पल्लेदारी करने। ये लमजा, तुम अबे कायदे स्पेशल को नहीं भेजे किए है किए ना है। अरे तो तू पहचान का कर रहे हैं भैया, ये पहचानेगा, ये हम इनको पहचानते हैं। तुमका देखा रहा कोई पहचान है, मैं कौन हूँ? तुम पेड़ाली से आओ ना भाई साहब, कहीं हमारे को दे रहा है क्या? पेड़ाली से आओ ना, पैसा करी दे रहा है पेड़ाली से। हाँ हाँ पेड़ाली से। बंदूक नीचे रख, पहले बताता नीचे रख। आप बता चले मैं कहां से आता हूं? पेड़ारी से। पेड़ारी से आता हूं भाईसा खरीदने। क्या समझ रहा मुझे? क्या शाले आपको बेड़िया माहौल समझता है? बेड़िया माहौल तो कितना तू लग रहा है शाले। समझा मुझे, मैं पहचाना नहीं बाबू साहब। तो ए साले कसगढ़ की औलाद, चुपचाप खड़ा हो जाएगा साले। पहाड़ी ऊंट जो बात मैं बनाता हूँ उसमें और पेट्रोल डाल के जलाता है। सोनू देखो, तुम लोग आए हो काफी दूर से, अब थक गए हो। भगवान ने सब कुछ दिया है बेलिया, मुझे सब कुछ याद है। जिस तरह तूने मेरी माँ को गोली से मारा था, मेरी माँ का जान अपना दिया है, मुझे सब कुछ याद है। मुझे माफ कर दो। तेरे ही कारण घर से बेघर हुआ, दरवाजे की ठोकरें खाया, मुझे खून के यहाँ शुरू लाया। मुझे माफ कर दो सोनू, माफ कर दो, फिर कभी ऐसी गलती नहीं पाओगे। हम सीधा काशी जी चले जाएंगे सोनू। क्या करने जाएगा काशी? काशी जी में जाके साधु हो जाएंगे। अच्छा आ जानते हो, सुना होगा आपने भी कि जब इंसान हर कर्म कर लेता है तभी साधु बनता है। अच्छा साधु फकीर बनना चाहता है? इसी के टुकड़े पे तू ही पल रहा है ना शाले। उठाई गिर, चल इसकी पोजीशन थोड़ा डाउन कर। आज ठंडी का महीना है, तबीयत खराब, मर जाएंगे भाई साहब। चलो ठीक है, और कुछ तो नहीं चाहिए? एकदम गड़बड़ हो जाएगा मामला भाई साहब। आप फिर चले जाओगे ना? क्या बात है, तेरी भी दवा चल रही क्या? इसको भी ले लो, और कपड़े की जरूरत है, फटे पुराने और भी पड़े हैं। फटे पुराने कपड़े क्या करेंगे, फटे पुराने कपड़े पड़े हैं। अगर तेरे जैसे समाज में जिंदा रहेंगे इंसान तो ये समाज के लोगों पर भी असर पड़ सकता है। नहीं नहीं भैया, ये भी उतार साले। तातरी मैया साले, तू इतनी तेज खींच रहा था तो मेरी क्या गलती है? अरे यार कहां से होता? अब भैया जाने दो, ¡Gracias!
बे सारे तो नसीराबाद में सारे धोबिन के सब कपड़ा पहले है गाते नहीं भैया ठंडी का महीना इसलिए पहन लिए थे अब अभी तू तो मेरा आदमी है साले इतना कसाई बन गया है तू अब ये कई आदमी है ये हमार मेहरारू आए तू मेरा नौकर था ना तो कम से कम तू तो रहेगा किसी तरह बात बना ले नहीं यार अब बतदारू नहीं गड़बड़ हो जाएगा ये सब तुम करवा रहे हो कि अपनी मर्जी से कर रहा है साला ये तेरे कहने पे आज तक किसने काम किया अब जो मैं कहूंगा वो करेगा ये क्यों मैं उठा लूं चूल्हे अब साले भाले न करे तेरी मां का भोसट मारे बाप ये ले हंटर तू इसका नौकर है ना मार साले को और सुन पांच हंटर मारना पांच हंटर और जोर जोर से मारना नहीं भी मैं तुझे मारूंगा अभी समझ ले मर्दा डराओ ना दिखाओ हम कस के मजे से मारा और तू अलो कस के ठीक है यार मैं जानता था कि तू मेरा आदमी है अगर ऐसा करेगा ना तो साले तेरे लिए मैं मुर्गा बनवा दूंगा तुझे देखो सारे कहकर सहारा देता है कहा तुझको चलो चौराहे मुर्गा बनवा दे अरे तुझको नहीं बनवाऊंगा यार तेरे खाने पीने के लिए भगत आदमी भगत है अरे तो फरहारी अंडा मंगवा देंगे पछौनी मंगवा दियो बहुत लग रहा है भाई साहब धीरे धीरे मारो भाई साहब देख सारे जैसा पड़वा लगा अब बहुत सही बेटा इसी तरह मारना अच्छा अब्बा अरे वो बात नहीं यार मोहब्बत में बोल दिया अब के और मजे से मार अब की बलबा न करे ठीक है साले जान ले लिया तू तुम तो मेरी भाई हंटर कितने हुए अबे कहाँ भाई तो तीन हुए हुए पहले तीन हंटर हो गए नहीं बहुत मारेंगे बेईमानी करोगे तू अबे एक सवाच रखा जैसे अब तू गड़बड़ कर रहा है यार उसी तरह मारो यार अरे हुरैया होने वाली है अरे हुरैया होने वाली है ठाकुर कपड़ा दिया वो तार हुरैया मार लगे तो कहे हमको तो हमको कुछ ही दिखा तो नहीं कहां चला अच्छा, अंधा हो गया था नहीं मारा था ये बता कितने हंटर मारा भाई साहब ये क्या बताया गया तो मारने में अंधा हो गया था अंधा हो गया था ना आपने कितने हंटर बोले थे पांच हंटर बोला अरे इसलिए दस हंटर मारे भाई साहब हमको हाँ हाँ भूल गए थे सात हंटर आप पूरे दस और ज्यादा मारे पंद्रह हंटर मारे थे इतने पंद्रह हंटर मारा जितने हंटर ज्यादा मारा वापस करो अरे वाह भैया तुझे मैंने बोला था पांच हंटर मारना बोल भैया है ताजा मार चल ज्यादा हंटर मार दिया वापस करवा ले ए बोल बाबू ताजा मामला या तो की गंगा सब यहाँ मार डाले भाई साहब भाई साहब सोनू भैया कैसे मेरे कपड़े उतरवा दिए थे ना भाई साहब न्याय करते आप इंसाफ करते तो सही करिए
अब मिले ना बेटा, साले दर बदलू लोगों का कोई वैल्यू नहीं होता, फंस गया ना चक्कर में। ये दुपट्टा बाहर कर। अब ये दोनों बूसर निकाल दे, दोनों बूसर निकाल, फटाफट कर ले, नींद हटा दूंगा तेरी भी। हाँ बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे तुमने किया था। हाँ चलो देखो, देख तू बेवकूफ है, तूने तो मुझे तेज तेज मारा था, लेकिन सही सही मैं ये मारूंगा कि तुझे एकदम मालूम ही नहीं पड़ेगा, मगर आवाज होना चाहिए। आओ कहो इतने जोर से ललाई ना, कहो कहो गांव वाले कहो बहुत मेरा पहला जाए हमारा लाल। चलो उठो होशियार हो जाओ। पहली बार इसी तरह हमको मारा था आपने ना, बिल्कुल वैसे कर रहा हूँ जैसे कर रहे थे। आलम बरदार है ना, बेईमानी तो नहीं है, पाना हो पावा। काकू जी अभी नहीं, अभी तीन और बाकी हैं, साथ होंगे साथ होंगे। आपने तो कहा था अब तुम मरने के लिए तैयार हो, तुझे सब कुछ याद है जिधर इमाम को थमा थमा के तूने मारा था, चल मरने के लिए तैयार। तुझे नहीं मारूंगा, तुझे नहीं मारूंगा, गोली ऊपर को गई, इधर आ ले आ कोई चादर, चादर और इसकी लाश को उसी गट्ठर में बांध दे। इसकी लाश को बांधकर बेल्टी के रूप में उसे भेजो उसकी हवेली, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली। भाई श्याम, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह के नाम एक खत डाल दो, इसी बिल्टी के साथ में एक पत्र भी भेज दिया जाए। हाँ उसे सावधान कर दिया जाए। हाँ मैंने खत लिख दिया है, इसमें यही लिखा है, ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता है, आपको मालूम हो कि तुम्हारे दोस्त धर्म सिंह को जान से मारकर तुम्हारे पास तोहफा के रूप में भेज रहा हूं, तुम्हारा जानी दुश्मन सोनू उर्फ डाकू सोना सिंह। डाल दो इसी बिल्टी में,
और तुम्हारी बहन पूजा मेरी हिरासत में है। अपनी बहन की जान चाहते हो तो मुझे काली पहाड़ी पे आकर मिलो। इस लाश को ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली पहुंचाओ। इनका सारे के सारा का दोखी मारी रहा है। इसके लिहाज हम ले जाबे कहो कहता भाई ले जाए के कोई चल खुम्बे में खो सब सारे का। पूजा आ मेरे शाह, अगर इससे मारा भाई तो चाहता था कि तुम्हें जान से मरवा दूं, लेकिन तुम्हारी जान बच गई, अब तुम चाहती क्या हो? मैं ये चाहती हूँ कि इस मौके पर अगर आप ना आते तो मैं इस दुनिया में लुट जाती, बर्बाद हो जाती। आपने मेरी जान और मेरी इज्जत बचा करके मेरे साथ भी बहुत बड़ा एहसान किया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पूजा तुम्हारा खास मतलब क्या है? मेरा मतलब क्या? मैं ये चाहती हूँ कि अब हमेशा हमेशा के लिए मैं तुम्हारी दासी बन के तुम्हारे चरणों की सेवा करती रहूं और तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए हो जाऊं। ठीक है, तुम्हारी बातों को मैं मानता हूं, लेकिन लेकिन इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और हाँ, जिस दिन तेरे भाई की मौत मेरे हाथ से हो गई उसी दिन तेरे संग मैं शादी रचाऊंगा। आओ मेरे साथ।